क्या आप जानते हैं सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई जितने भी ये सिगरेट पीने वाले हैं, जो धड़ल्ले से धुएं का छल्ला बनाते हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं अजब गजब और मेरा नाम है मेघा। स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चेतावनी देते हैं कि सिगरेट आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दें। मानना ना मानना आपके ऊपर है। आजकल लोग सिगरेट पीना एक स्वैग समझते हैं। किस स्टाइल से सिगरेट को पकड़नी है, कौन सी सिगरेट पीनी है, कितने छल्ले बनाने हैं, किस तरह से पीनी है, सब कुछ एक स्वैग और फैशन स्टेटमेंट बन गया है। जितनी जल्दी ये सिगरेट आप फूंक देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से ये आपके फेफड़ों को फूंकती है। उसके बाद आपको पता ही है कि सिगरेट पीने का क्या अंजाम होता है। लेकिन आज बात सिगरेट के नुकसान की नहीं होगी, बल्कि इसे क्या कहते हैं, इसका हिंदी में क्या नाम है, उस पर होगी। सिगरेट को समाज में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसके सेवन से लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन फिर भी लोग बड़े शौक से छल्ले बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिगरेट जानलेवा होती है। इन्हीं सिगरेट पीने वालों से अगर आप पूछेंगे कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो इन्हें नहीं पता होगा। और क्या आप जानते हैं कि सिगरेट एक हिंदी शब्द नहीं है? कुछ दिनों तक सभी यही जानते थे कि सिगरेट को हिंदी या अंग्रेजी दोनों में कहा जाएगा तो सिगरेट ही कहा जाएगा। चलिए बिना समय बर्बाद करे और इधर उधर की बकवास करे बिना आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो देखने में तो हिंदी के लगते हैं, लेकिन असल में वो हिंदी के होते नहीं हैं। अब आप क्रिकेट को ही देख लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसे क्रिकेट नाम से ही प्रयोग किया जाता है। दोनों जगह पे एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है, जबकि क्रिकेट अंग्रेजी का वर्ड है। लेकिन जब किसी को हिंदी में बोलना होता है, तब वो इसे क्रिकेट ही कहते हैं। ठीक ऐसा ही हाल सिगरेट का भी है। किसी को हिंदी में भी बोलना होता है, वो सिगरेट कहते हैं। किसी को अंग्रेजी में भी कहना होता है, वो भी सिगरेट कहते हैं। जबकि सिगरेट हिंदी भाषा का शब्द ही नहीं है। हिंदी में सिगरेट को धूम्रपान दंडिका कहा जाता है। अब जरा आप सोच के देखिए, कोई स्मोकर किसी दुकान पे जाए और वहां पर जाके कहे, भैया एक धूम्रपान दंडिका दे दो, तो ना तो दुकान पे बेचने वाला इसे समझ पाएगा, और जो आसपास और स्मोकी ये खड़े होंगे, उनको भी हैरानी होगी कि भाई ये बोल क्या रहा है। जितने भी सिगरेट पीने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या उन्हें पता था कि सिगरेट को धूम्रपान दंडिका कहा जाता है। अजब गजब देख रहे थे आप। नमस्कार।